जिसने धमकी दिया है। अच्छा किसने चेक, धमकी दी है, क्या धमकी दी है, एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। तो नाम बताने में क्या दिक्कत है? आपके ऊपर आरोप है, इसीलिए आपको रिमांड पे मांगा जा रहा है। हाई कोर्ट का साफ आदेश है कि जो भी कानूनी कार्रवाई कोर्ट करना चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में कर सकती है, लेकिन फिर भी मुझे कोर्ट से और मेरे भाई को जेल से निकाला गया। अच्छा, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी हो उसके लिए कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकती है। अशरफ आज और मुलाकात हुई, बात हुई, और हाई कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है मेरे लिए कि जब मुझे किसी भी वजह से जेल से अगर जेल ट्रांसफर वगैरह के लिए निकाला जाता है तो वीडियोग्राफी हो और मेरे पसंद का अधिवक्ता मेरे साथ रहे, जो कि कोई नहीं है। अतीक अहमद से मुलाकात हुई, जेल में बात हुई, बात हुई, कोर्ट में मुलाकात हुई मेरी। क्या बोला अतीक अहमद ने, क्या बोला आपके बड़े भाई? वो हमारे भाइयों के बीच की बात है, हम आपको कैसे बता सकते हैं? बताइए, सद्दाम इतने साल के बाद, सद्दाम जो आपका साला है उस पर कहा जा रहा है उसने यहाँ पे साजिश की जेल में, जो आप कह रहे थे हमने की, अभी तो आप कह रहे थे हमने की, अब कह रहे हैं सद्दाम ने की, फिर कहेंगे हमारी भाभी ने की, ऐसे तो फिर बहुत से साजिश को नाम मिल गया। आपके ऊपर भी आरोप है, लेकिन सद्दाम क्योंकि जेल से बाहर था जब वो 11 तारीख को 9 लोग, मैं विधायक रहा हूँ, वो मेरा रिश्तेदार है, सादा है, बहुत सारे हमारे समर्थक, बहुत सारे जानने वाले।